हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ एन लक्ष्मीकांत की स्ट्रैटेजी क्या है और क्या होनी चाहिए, मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहती है और उसको मैंने कैसे पढ़ा है, क्योंकि ये जो बुक है ये अपने आप में एक नॉवेल की तरह है और आपको इससे बाहर कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो यही इनफ है बुक, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, इसको पढ़ने का भी एक तरीका है, क्योंकि देखिए बुक पढ़ने से नहीं होता है, उसमें आपको रिवीजन करने का भी टाइम आपको देना होता है। तो आप ऐसे पढ़ें कि आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं जैसे पढ़ती हूँ, क्या मेरी स्ट्रैटेजी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। आपकी अपनी स्ट्रैटेजी होगी, तो अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगेगी और लगेगा कि आप हेल्पफुल है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारी बुक है लक्ष्मीकांत, ठीक है। आप अच्छे से देख रहे हैं, हिंदी मीडियम की है, फिफ्थ एडिशन की है बुक, क्योंकि मेरे पास बुक था तो मैं न्यू परचेस नहीं करने गई, फिफ्थ एडिशन की है, देख सकते हैं आप। देखिए दिख रही है आपको, क्योंकि जैसे जो भी नया एडिशन आता है तो उसमें सिर्फ चैप्टर्स ऐड होते हैं, बाकी जो कंटेंट होता है सेम होता है, ठीक है। तो ये देखिए हमारी फिफ्थ एडिशन की बुक है लक्ष्मीकांत, और मैं इसकी जो हालत दिखाती हूँ आपको ये है कि मैं किस तरह से पढ़ती हूँ। सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का फ्रेंड्स, तो मैं आपको अपना तरीका बताने वाली हूँ कि मेरा क्या तरीका है और मैं इसको कैसे पढ़ती हूँ, कैसे ये मुझे ईजी लगता है, ठीक है। ईजी किसी भी चीज़ को स्टार्ट में नहीं लगता है, पढ़ते पढ़ते होता है। तो जब ये बुक लीजिएगा आप तो आपके पास इसमें सिलेबस भी होगा आपका। और देखिए सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कंटेंट पे, विषय सूची पे, ठीक है। तो आप कोई भी बुक लेते हैं उसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, देखिए सब्जेक्ट अलग है लेकिन स्ट्रैटेजी एक रहेगी किसी भी बुक के लिए। सबसे पहले कितना चैप्टर है वो आप उसमें देख लीजिए कि कितना चैप्टर आपको है, कितना किसका कितना पेज है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इतना पेज है, इतना चैप्टर है, तो आपकी क्या कैपेबिलिटी है कि आप उसको कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। और आप एक चैलेंज लेकर चलिए कि मुझे 1 मंथ में कंप्लीट करना है, 2 मंथ में कंप्लीट करना है, 15 डेज में कंप्लीट करना है। क्योंकि आपको कंप्लीट करना है मतलब आपको पढ़ना है सिर्फ उस टाइम, आपको ज़्यादा कुछ रिवाइज नहीं करना है, नोट्स नहीं बनाना है, एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पढ़ना है। सिर्फ जिस तरह से आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उस तरह आपको पढ़ते जाना है फर्स्ट टाइम में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 11 चैप्टर है आपका यहाँ पे, तो इस तरह से देख सकते हैं सबका पार्ट वाइज दिया हुआ है। और इसमें आपको सब नहीं पढ़ना है, पार्ट वाइज दिया हुआ है, तो आपको जितना है मैं आपको बताती हूँ कि मैं कितना पढ़ रही हूँ और आपको कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं पार्ट 1 में, तो 1 से लेकर 11 तक चैप्टर्स में दिया हुआ है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी एक बार जब आप बुक लेते हैं, जब आप फर्स्ट टाइम, आपको मैं कॉपी में समझाती हूँ स्टार्टिंग से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपकी पहले स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि पहले आप क्या कीजिए कि पहले आप कोई भी बुक, जब जो भी आपको है आप वो बुक खरीद के ले आइए। और सबसे पहली बात की लिमिटेड बुक आपको रखना है, ठीक है, ज़्यादा आपको बढ़ाना नहीं है, लिमिटेड रखना है। अगर आप पॉलिटी के लिए सोच रहे हैं और अभी तक आप बुक नहीं लिए हैं और अगर आपको पॉलिटी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, 1 मिनट, तो आपको क्या करना है कि अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है पॉलिटी का तो आपको क्या करना है, कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आपको NCERT की बुक लेना है आपको, जो क्लास 11th की आएगी, वो बुक आपको ले लेना है, ठीक है। आपको उसको अच्छे से गो थ्रू होना है, अच्छे से पढ़ना है आपको। और अगर आपके पास नॉलेज है पॉलिटी के बारे में, आप जानते हैं कि संविधान क्या होता है, नागरिकता क्या होती है, या जो भी छोटी छोटी चीज़ें, संसद क्या है, क्या रूल्स हैं, वो सब अगर आपको पता है तो आपको क्या करना है, सीधे जाके एम लक्ष्मीकांत लेना है, ठीक है। ये आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रीलिम्स में आपको प्रॉब्लम ना हो, तो इसकी एक ऑब्जेक्टिव बुक भी आती है, लक्ष्मीकांत की बुक आती है, वो ऑब्जेक्टिव में आती है। मेरे पास नहीं है क्योंकि मेरे पास दूसरा बुक मेरे पास है, मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी आने वाले ब्लॉग वीडियो में, जिसमें मैं बुक्स के बारे में बताऊँगी, उसमें शेयर करूँगी आपको। तो आपके पास ये बुक होना चाहिए, आपके पास ये बुक आ गई है, ठीक है। आपको क्या करना है कि कितना चैप्टर्स है आपको ये मैंसन कर लेना है, एक बॉक्स बनाना है आपको, उसमें आपको चैप्टर्स लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको कि चैप्टर्स लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है कि पेज कितने हैं, ठीक है, कितना पेज का कितना चैप्टर है वो आपको मेंशन कर लेना है। सेकेंड चीज़ आ गया। थर्ड चीज़ आपको क्या है कि आपको नोट्स बनाना है, अगर आपके पास टाइम है तो नोट्स आपको कैसे बनाना है, कि आपको सबका नोट्स नहीं बनाना है, जो आपको समझ में नहीं आता है, जैसे कि आपका एक 5 पेज का आपका चैप्टर है ठीक है, और आपको ऐसा पढ़ना है, आपको 3 बार 4 बार जब पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, उसी को आपको नोट्स में आपको मेंशन करना है, ठीक है। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है, 4th चैप्टर में आपको टारगेट करना है, आपको टारगेट बनाना है कितना दिन में आप कितना फिनिश कीजिएगा, ठीक है। अब 5th पार्ट में क्या करना है, रीड एज अ नॉवेल,
ठीक है, आपको नॉवेल की तरह पढ़ना है। आपका अगर ये स्ट्रैटेजी रहता है तो आपको कोई भी बुक पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आप बहुत इंटरेस्ट से आप पढ़िएगा और आपको अच्छे से याद भी रहेगा, और प्लस में आपका जो मेन है वो है आपका रिवीजन, ठीक है। रिवीजन तो करना ही है, रिवीजन किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी पढ़ाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगता होगा कि किसी चीज़ को याद कैसे रखे, तो रिवीजन ही है वो जो आप जिससे आप याद रख सकते हैं। अच्छा, तो आज मैं बात कर रही हूँ बुक्स के बारे में, रिवीजन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, तो मैं इसके बारे में ही बात करूँगी। तो अब आते हैं चैप्टर्स पे, तो इसमें कितना चैप्टर्स है, तो देखिए कभी आप ध्यान से बुक को देखिएगा कि और चैप्टर्स को मिलाइए कितना चैप्टर्स का है। इसमें 11 चैप्टर है, ठीक है, पार्ट वन में। पार्ट टू आ गया, इसमें आपका 5 टॉपिक है। पार्ट थ्री में 13 टॉपिक है। फोर में क्या है आपका, 8 टॉपिक है। इसी तरह से आपको क्या करना है, मेंशन करना है बुक के ऊपर। तो उससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया रहेगा कि अच्छा इसमें इतना टॉपिक है तो मुझे इतना टाइम देना होगा, उसमें कम टॉपिक है तो इतना टाइम देना होगा। और जो कम है सबसे पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए, जो ज़्यादा है उसको कंप्लीट कर लीजिए, आपके अनुसार जो आपको लगता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे चैप्टर्स को पढ़ लिया, देख लिया कितना चैप्टर्स का है, तो इसको हम लोग टिक कर लेते हैं कि यह कंप्लीट हो गया, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं पेज पे, कौन कितना पेज का है। देखिए अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे है ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मेरा लिखा हुआ है 8 पेज लिखा हुआ है। फिर है कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 8 पेज। पेज से आपको आइडिया मिल जाता है कि अगर आप डिवोटेड हैं स्टडी के लिए तो आप उसको कितने दिन में कंप्लीट कीजिएगा। तो इसी तरह से पेज मेंशन कर लेते, देखिए मेरे सब सब चैप्टर के बगल में पेज लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से मुझे बहुत ईजी लगता है पढ़ने में, तो वही मैं आपको भी दूंगी, ठीक है। सलाह, पेज मेरा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नोट्स पे, तो मैं नोट्स लेके आती हूँ, मैं आपको आज नोट्स शो करती हूँ। देखिए ये मेरा नोट्स है, आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा भी होगा, ये नोट्स है मेरा। और ये मेरा हिस्ट्री मॉडर्न का नोट्स नहीं है, मेरा पॉलिटी का नोट्स है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या है, सबका मेरा लिखा हुआ है कि, और पेज नंबर आपको ये तो लिखना ही है, जब नोट्स बनाइएगा तो उसमें भी पेज नंबर आप मेंशन कीजिएगा। ये पे है चैप्टर्स, आपको कौन कौन से बनाने हैं नोट्स, और आपको सब नहीं बनाना है। आप अगर इतना तैयार कर लेते हैं और जो आप सिर्फ आप रीडिंग डाल लीजिए और ऑब्जेक्टिव जो बुक्स आता है उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा क्वालिटी। और बस आपको करंट अफेयर में आपको स्ट्रॉन्ग बना के चलना है। देखिए मेरा नोट्स ज़्यादा पेज, देखिए कोशिश कीजिए कि अगर आपका 8 पेज का चैप्टर है तो आप उसको 2 पेज में ले आइए आंसर, सॉरी नोट्स, ठीक है। तो राइटिंग पे भी डिपेंड करता है, मतलब जितना आप बोल्ड लिखते हैं, तो मेरा राइटिंग थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा ज़्यादा पेज आता है उसी तरह से। और डायग्राम इनपुट कीजिए, ज़्यादा कलरफुल मत कीजिए, ज़्यादा कलरफुल करने से क्या होगा कि आपका पेज आर पार होने लगता है। जितना सोवर बनाइएगा, सिंपल बनाइएगा, उतना अच्छा रहता है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ऐसा नहीं है कि आपको 2 साल में क्लियर हो जाएगा, 3 साल में क्लियर हो जाएगा, लॉन्ग टाइम भी लग सकता है। तो आप जितना सिंपल बनाइएगा आपको लिखा हुआ उतना चलता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं अपनी क्रिएटिविटी दिखाती हूँ, देखिए अब देखिए ये सिटीजनशिप का नोट्स है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर आप नोट्स बना लिए हैं, अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट कहीं से मिलता है तो छोटा छोटा आप नोट्स स्टिकी नोट्स ऐड कीजिए और उसमें चिपका दीजिए, तो आपको उसमें पढ़ने के लिए हो जाएगा, ठीक है। देखिए देखिए डायग्राम वगैरह है, ठीक है। इस तरह से मेरा यही रहता है कि अगर मुझे, मैं नोट्स बना चुकी हूँ और कुछ मुझे फिर से नया मिलता है तो मैं उसी तरह से कर देती हूँ, मैं अलग लिखने जाती हूँ, मैं इसी में ऐड करती जाती हूँ। ओके नोट, ठीक है, ये आपको नोट्स क्लियर हो गया, आपको नोट्स समझ में आ गया कैसे बनाना है। आपको आपको टारगेट लेकर चलना है, ठीक है। अगर आप स्टडी को, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, मैं बताती हूँ सबके बारे में, अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं प्लस मदर हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आप 8 आवर्स पढ़ते हैं, और अगर आप मान लीजिए आप 5 आवर्स पढ़ते हैं या 4 आवर्स पढ़ते हैं, तो आप क्या कीजिए कि आप मंथली डिवाइड कर लीजिए, मंथली टारगेट कर लीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, 15 डेज रखना है, आपको 2 बुक लेके चलना है, अगर हिस्ट्री है और पॉलिटी है। तो इसमें क्या करना है कि आपको कोशिश करना है कि अगर आपका पॉलिटी 50 चैप्टर का है, ठीक है, या जितना भी चैप्टर का आप उसको आइडिया कर लीजिए, आप कोशिश कीजिए कि आपको इसमें 25
या 30, चैप्टर पे डिपेंड करता है, किसी का 8 पेज का है तो किसी का 40 पेज का है, किसी का 15 पेज का है, इस तरह से। तो आपको वो आप पे डिपेंड है कि आप कितना पढ़ सकते हैं, कितना आपका फास्ट है, कितना आपका थिंकिंग स्किल है, ये आपको आप पे डिपेंड करता है। दोनों का डिसाइड कर लीजिए और आप कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो, और एक मदर हाउस वाइफ है तो अभी आपके लिए पॉसिबल है, क्योंकि आपका आप अपना टाइम खुद निकाल सकते हैं, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। लेकिन अगर मदर हैं तो आप बेबी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। बेबी आपको टाइम देगा तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा उतना आपको टेंशन नहीं लेना है। आप अगर 5 घंटा नहीं भी पढ़ पाइएगा, अगर आप 1 घंटा ही पढ़ सकते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वीडियोज़ का सहारा लीजिए यूट्यूब पे, ठीक है। आप वीडियो सुना कीजिए, उसमें से आप अपना टारगेट को कम्प्लीट किया कीजिए। तो यहाँ तक बात आती है, यहाँ तक समझ गए आप, तो आपका टारगेट भी समझ में आ गया कि टारगेट आपको कैसे बनाना है, ठीक है। अब रीड एज अ नॉवल, तो आपको मैं यहाँ नॉवल की तरह क्यों पढ़ने बोल रही हूँ उसको मैं बताती हूँ। आपको क्या करना है कि 4 टाइम्स आपको टारगेट लेके जाना है कि मुझे 4 टाइम्स बुक को पढ़ना है, ठीक है। बुक को पढ़ना है आपको 4 टाइम्स। फर्स्ट टाइम आपको कुछ नहीं करना है, पढ़ना है, ठीक है, रीड। सेकंड टाइम क्या करना है, रीड। थर्ड टाइम क्या करना है आपको, पेंसिल से आपको टिक करना है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको आप टिक कीजिए। फोर्थ टाइम में क्या करना है आपको, हाईलाइट करना है, ठीक है। आप जैसा आप चाहते हैं हाईलाइट कीजिए उसको। और इसी टाइम अगर आपको समझ में आ गया है टॉपिक, तो आप क्या कर सकते हैं, आप नोट मेकिंग कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितने दिन में समझ में आता है। तो ये रहा मेरा स्ट्रैटेजी। ये आपको समझ में आ गया कि आपको कैसे करना है। पहले आपको चैप्टर्स मेंशन करना है, फिर आपको पेज काउंट करना है कितना पेज का है, नोट्स कैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे नोट्स बनाना है, टारगेट आपको सेट करना है और किस तरह से आपको पढ़ना है। तो ये रहा आपका स्ट्रैटेजी, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको, मेरी स्ट्रैटेजी कैसी लगी। देखिए इस तरह से अगर पढ़िएगा तो कोई भी बुक आपको टफ नहीं लगेगा और किसी भी तैयारी को आप अच्छे से कर सकते हैं विदाउट एनी माइंड, कोई टेंशन से नहीं। आप सोचते होंगे कि मैं कैसे पढ़ती हूँ, तो मेरा यही टारगेट, मेरा जो है स्ट्रैटेजी है वही मैं आपको बता रही हूँ। मैं अगर मैं ये नहीं कर, मैं बाय हार्ट होकर बता रही हूँ क्योंकि मुझे ये पता है और मेरे से ये पॉसिबल होता है, मेरे ये पे वर्क करता है, ठीक है। तो इसीलिए देखिए मेरा भी क्या है, मैं अपना बताती हूँ थोड़ा सा। अगर जैसे कि एक मैं मदर हूँ, ठीक है, वो भी छोटी बेबी का है, छोटी बेबी, छोटी सी है, तो सुबह मैं समझा नहीं सकती हूँ कि मैं पढ़ने जा रही हूँ, अभी मत रोना, अभी सो जाओ तुम, अभी खा लो, वो अभी उसको कुछ पता नहीं है। तो मेरा क्या है कि मेरा नोट्स पहले से डन है, ठीक है। क्या मेरा स्टडी का स्ट्रगल रहा है, मैं कैसे क्या अपना प्रिपेयर की हूँ, मैं एक वीडियो बताऊँगी आपको, इसमें नहीं बताऊँगी क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। नोट्स डन है, बुक्स मेरा पढ़ा हुआ है, 2 या 3 टाइम्स मेरा पढ़ा हुआ है बुक्स, ठीक है। अभी मेरा क्या है कि अभी रिवीजन है मेरा, प्लस में न्यू जो बुक नहीं पढ़ पाई हूँ मैं उसको पढ़ रही हूँ। तो मेरा क्या है कि मेरा 24 आवर्स में, ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं 4 आवर्स पढ़ सकूँ। अगर मेरा ये होता है तो बहुत अच्छी बात है, कभी मेरा 5 आवर्स भी चला जाता है, कभी मेरा 1 आवर्स भी जाता है, ठीक है। मैं डिमोटिवेट नहीं होती हूँ। मेरा क्या है कि मैं अभी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रही हूँ, मैं स्टॉप नहीं की हूँ। मैं चाहूँ तो स्टॉप भी कर सकती हूँ, कंटिन्यू भी कर सकती हूँ। तो अगर मैं स्टॉप करने से अच्छा है कि मैं कंटिन्यू ही रखूँ। मैं अगर इतना पढ़ती थी तो अभी मैं अगर इतना ही पढ़ती हूँ तो अगर मैं यहाँ 30 दिन में यहाँ तक पहुँचूँगी, पहले पहुँचती थी, ठीक है। अगर मैं यहाँ 2 महीने में पहुँचती हूँ 60 डेज में, तो क्या प्रॉब्लम है। अगर नहीं पढ़ती हूँ तो ये तो पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो यही मेरा टारगेट है। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आई होप आपको आज का ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा होगा, ब्लॉग नहीं कहेंगे इसको, स्ट्रैटेजी कहेंगे। अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों तक शेयर कीजिएगा जिनको प्रॉब्लम होती होगी पढ़ने में। कोई आपके दोस्त होंगे, किसी को समझ में नहीं आता होगा, तो उनको वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।